नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जैसा कि आपने पहला पार्ट पसंद किया काफ़ी ज़्यादा, आज सेकंड पार्ट हम लेकर आ रहे हैं SICI का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप गूगल प्ले पे MG कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उसके, काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। लगातार अगर लाइव सेशन जो भी होते हैं ऐप पर, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप आज ही डाउनलोड करें MG कॉन्सेप्ट वीडियो ऐप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, देखिए इसके अंदर ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी लास्ट सेशन में। और ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी CPO 2019 का है। सभी क्वेश्चन आज जो लेंगे CPO 2019। अब काफ़ी क्वेश्चन ना देखिए SICA के ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बच्चों को हो जाती है, जिसके लिए लगातार आपको बताया जा रहा है कि टैकल किस तरीके से करना है। अब ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन है आपका ये कि भाई CI किसी राशि पर इतने वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 8 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब देखिए, जैसे कि हम हमेशा काम कर रहे हैं, आज भी आपको वही बात बताई जाएगी कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने रेट पढ़ा 12% तो 12% सालाना ही आए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 8 मंथली, हर 8 महीने के बाद उसे ब्याज मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है हर 8 महीने के बाद मिले, हर 5 महीने के बाद में मिल सकता है, हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद, हर 6 महीने, 7 महीने, किसी के बाद में मिल सकता है। अगर मैं बोलता हूँ 12% ब्याज है साल का, 1 महीने का 1%, 12 महीने का 12%, अगर मंथली रेट होती तो आप 1% के हिसाब से निकालते और आंसर निकाल लेते। 7 महीने के हिसाब से होती तो 7% हो जाता 7 महीने का, उसके हिसाब से निकाल लेते। यहाँ पर बात हो रही है 8 महीने की, 8 महीने के हिसाब से रेट हो जाती है 8%, यानी दर हो गई 8%। और इसे अगर आप देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 12 और 4, क्योंकि 1/3 साल यानी 4 महीने, 16 महीने हो गए। 8 महीने का स्लैब है आपके पास, 16 महीने यानी 2 बारी में आपको कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब यह 8% रेट है, 2 साल के हिसाब से कैलकुलेट जैसे होता है वैसे ही कैलकुलेट यहाँ होगा। 37,500 रुपये की राशि है। अब मेन बात ये समझिएगा कि कैलकुलेशन में जो स्मार्टनेस है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर बहुत मैटर करेगी। और ये सब चीज़ें ना मैंने इंस्पेक्टर 40% के कैलकुलेशन में सब कराई हुई हैं। अगर आप देखते हैं 37,500 का मैं 8% निकालूं, ठीक है, या फिर 100 मैं इधर ले जाता हूं, 10 ले लेता हूं, 8,000 का 37.5% निकालूं, बात एक ही है। 8,000 का 37.5% निकालिए या 37,500 का 8% निकालिए। आपको बताया था A×B, A% of B और B% of A, तीनों बराबर होते हैं। परसेंटेज के साइन को आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, 1 की 0 आप दूसरे के साथ लगा सकते हैं, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की तो वो जरूर देखिए, उसमें मैंने कैलकुलेशन स्किल ही सिखाई है आपको। तो आप देखते हैं 37.5%, 12.5% होता है 1/8, ठीक है, 37.5% हो गया 3/8, ठीक है। अगर 3/8 इसका निकालते हैं तो 3,000 आ गया, तो यानी इसका 8% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष का भी 3,000 हो जाएगा, पर दूसरे वर्ष इस पे भी तो ब्याज मिलेगा 8%, 8×3=24 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6,240, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए जो मैंने इतना लिखा, ये लिखने वाला पार्ट नहीं है, ये दिमाग में करने वाला पार्ट। अगर आप दिमाग में कर पाते हैं ये चीज़ को तो सबसे बढ़िया है, और दिमाग में नहीं कर पाते तो दिक्कत वाला है, पेपर में कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपको बोला जाता है साधारण ब्याज से कोई राशि 5 साल के लिए एक्स परसेंट से लगाई जाती है, यदि उसे इतने रेट ज़्यादा से लगाई जाती तो इतने रुपए अधिक इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, 5 साल में 9200 रुपये अधिक इंटरेस्ट मिलता। यानी अगर आप देखते हैं यहाँ पर और यहाँ में फ़र्क कितना है, केवल 5% का। यहाँ पर और यहाँ में फ़र्क कितना है, केवल 5% का। 5% 1 साल में, 5 साल में 25%। तो मैं सीधा ही बोलूँगा कि भाई 25% की वैल्यू 9200 है, 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है, वो राशि निकालनी है आपको 100%। ठीक है, अब ये हो सकता है या तो आप डीएस लगाएं, अगर आप डीएस लगाते हैं इसके अंकों का योग 2 हो गया, नीचे 7 तो ऊपर 4। ठीक है, तो 2 चौक 8 हो गया, जिसके अंकों का योग 8 होगा। 8 है कौन सा, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा अगर आप डीएस लगाते हैं। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई डीएस ही लगाना है बार बार, थोड़ा सा इमेजिन करना भी सीखिए। वो कैसे, अगर आप देखते हैं इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, 4 गुना का है, 0 तो रहेगा ही रहेगा, इसे मैं 4 से गुणा करता हूँ, 4 निम 36, 4 दुनिया 8, 368 हो गया। 368 किस में नज़र आ रहा है मेरे को, इसमें नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन स्किल्स हैं, कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे प्री में जा रहे हैं अभी 19 के लिए, या फिर जो मेंस में जाएंगे, देखिए आखिरी की स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आपको ना चीज़ें आना बड़ी बात नहीं होती, क्या चीज़ों की फिनिशिंग भी कर रखी है आपने, यानी फाइनल टच दिया हुआ है, क्या चीज़ों में स्मूथनेस है उतनी। अब जैसे मेरे को ये क्वेश्चन करना हुआ, मैं सीधा यहाँ से देखूंगा एक्स एक्स प्लस 5 कितना एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, 5 साल में कितना एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, इसका 4 गुना, 9200 चौक 368, सीधा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये समझाने के लिए जरूर लिखा जा रहा है, और इसी को ही आप फिनिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बोला गया कि भाई 8928 रुपये की राशि 2 साल में बन जाती है, एक राशि 8928 रुपये बन जाती है 2 साल में, और 3.5 वर्ष में बन जाती है 10224 रुपये साधारण ब्याज से, तो ब्याज दर आपको बताना है कितना होगा। अब देखिए 2 साल में और 3.5 साल में जो अंतर हो गया, वो हो गया 1.5 साल का। 1.5 साल में जो ब्याज मिल रहा है मेरे को, ठीक है, 1.5 साल का अगर आप ब्याज निकालते हैं, अगर इसे देखते हैं 72 हो गया और 1224, 1296 हो गया, 1296, 1.5 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। रेशियो देखते हैं 3:4 का, 3 की वैल्यू अगर ये है 432 गुना। अब देखिए सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये 432 आएगा, सीधा सीधा आपके सामने केवल कैलकुलेशन स्किल्स हैं। 432 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो ये हो गया आपका 1728, ठीक है, 1728 रुपये हो गया। अब आप ध्यान से देखते हैं, अगर 1728 कैसे, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 2 चौक 8, और यही सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज की कैलकुलेशन स्किल्स में आपको बताई हैं, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन स्पेक्टर 40 में भी बताई है। तो 1728 रुपये ब्याज हो गया 2 साल के अंदर, तो ब्याज इसमें मिला हुआ है, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 7200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो 7200 रुपये आपकी वो राशि हो गई, ठीक है, इसमें से मैंने 1728 घटा दिया, बचे 7200 रुपये, ठीक है। अब 7200 पे 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, ये 2 साल का ब्याज है आपका 1728 रुपये, 1 साल का अगर आप ब्याज निकालते हैं तो ये हो गया 864 रुपये, ठीक है। तो 864 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, परसेंटेज याद करिए, परसेंटेज की मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर
आपको बताया था कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको बताया था कि भाई अगर एक प्लेस बार डेसिमल लगा देते हैं तो वो 10% हो जाता है। 10% कितना हो गया ये, यानी आंसर 10% से तो बड़ा होगा, ठीक है। ये 10% है और इसका आधा यानी 360, तो 720 में अगर 360 जोड़ूंगा 1000 हो गया। 1000 कितना हो गया, 1080, 15% हो गया, 15% से कम होगा। तो 10% से ज़्यादा होगा और 15% से कम होगा। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 12% आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ करी हैं, काफ़ी कैलकुलेशन स्किल यूज़ करी है। जो भी चीज़ लिखी है वो डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके लिखी है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन हमने ज़्यादा नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लगातार ना कैलकुलेशन से डरने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों से कभी ना डर के काम नहीं होता, उसे फेस करना पड़ता है। कैलकुलेशन एक ना एक दिन अच्छी हो जाएगी। लगातार उसी चीज़ पे फोकस करिए जो आपको बताई जा रही है कि भाई ये कैलकुलेशन में ना हम ये गड़बड़ कर रहे हैं। पेन फ्री हैबिट्स में कब से चला रहा हूँ, 6 महीने हो गए। आप देखिए हर वीडियो में कुछ अलग मिलेगा, हर वीडियो में कुछ ये पता लगेगा कि हम डेली रूटीन में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें अडेप्ट करिए, देखिए काफ़ी चेंज मिलेगा। अगर मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है कि वो ब्याज दर कितना होगा जिससे 40,000 रुपये की राशि 4410 हो जाएगी 2 वर्ष के अंदर, ठीक है। अब 2 वर्ष की बात हो रही है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। 2 वर्ष की अगर बात होती है तो करते हैं स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ दोनों का, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपका 210। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर बात होती 3 साल की तो आप कर देते क्यूब रूट, फिर आपका आंसर आता। कहाँ से आया ये चीज़, ये यहाँ से आया है कि भाई ए बाई पी अगर निकालना है तो 1 + r/100 होता है, और अगर 2 को हटाएंगे तो रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तब 1 + r/100 आएगा। 1 + r/100 क्या होता है, 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर बात करते हैं पी और ए, तो 10 रुपए का ब्याज मिल गया। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता मुश्किल से 4 से 5 सेकंड, सीधा देखते देखिए 20 से 21, एक का इंटरेस्ट 20 रुपए पे 5% आंसर हो गया, तो 5% आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन सीपीओ के हैं, करंट के। कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन आपको बहुत कम करनी है। वो भी कम कब हो सकती है, जब आपकी अप्रोच अच्छी हो। अब देखिए क्या बोलता है, किसी राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक वर्ष पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया और धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, शेष धनराशि को 10% पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, ठीक है, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है। तो आपको बताना है कि राशि कितनी निवेश करी गई थी, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ आप 8 देख रहे हैं, यहाँ आप 5 देख रहे हैं, और लगातार परसेंटेज भी देख रहे हैं, तो हम एक ऐसे अमाउंट ले लेंगे, एक ऐसी राशि ले लेंगे जो 8 और 5 से भाग हो सके, जैसे 40। अब 40 तो नहीं ले सकता मैं, अब मुझे क्या चाहिए कि ऐसी राशि जिसमें परसेंटेज से भी 100 कट जाए। तो 40 की जगह मैं 400 या 4000 ले सकता हूँ, मान लेते हैं मैं 4000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, 4000 यूनिट। अगर आप 4000 यूनिट लेते हैं, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि टोटल इंटरेस्ट जो है 2 साल का इतना है, 1 साल का कितना हो जाएगा, 837 रुपये हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का 837 रुपये हो गया। अब मैंने अमाउंट प्रिंसिपल मान लिया 4000 यूनिट, ठीक है, 4000 यूनिट के हिसाब से अगर आप देखते हैं ये कितना हो गया, 4000 के हिसाब से ये कितना आ गया, 500 आ गया, 1/8, ठीक है, 500 का 5% हो गया, यानी 25 हो गया।
तो आपने देखा कि 4,000 का 1/8 यानी 500 रुपये, 500 यूनिट आपने यहाँ ले लिए, 4,000 का 3/5, 3/5 होता है, 1/5 हो गया 800, और 800 इंटू 3 करेंगे 2,400 हो गया, ठीक है। और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं 60%, 4,000 का 60% 2,400 होता है, 2,400 का 6% अगर आप निकालते हैं 144 हो गया, ठीक है। 2,400 यहाँ हो गया, 2,500 यहाँ हो गया, टोटल हो गया 2,900। अब बचे 1,100 रुपये, 1,100 यूनिट, 1,100 यूनिट का अगर आप 10% निकालते हैं तो 110 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 110। अगर मैं टोटल करता हूँ, ये हो गया 254 और ये हो गया आपका 279, इस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 837, 279 यूनिट की, और आपने जो राशि मानी थी वो कितनी थी, 4,000 यूनिट थी। 4,000 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इसका 3 गुना दिख रहा है। अब ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें कब देख सकती हैं, जब आपने प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से सीरियसली तरीके से करी हो। 2 3 6, 600 हो गया, 7 3 21, 810 हो गया, 9 3 27, 810 में 27 जोड़ा, 837 हो गया, इसका 3 गुना करेंगे 12,000 हो गया, 12,000 सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 4,000 यूनिट मान के हमने किया, आप कितनी भी यूनिट मान के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक राशि 35,680 रुपये हो जाती है 3 साल में और 6 वर्ष में 53,520 रुपये हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ, ये 6 वर्ष की बात हो रही है, ये 3 वर्ष की बात हो रही है, चक्रवर्ती ब्याज से, तो आपको बताना है कि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला था, यहाँ पर बताना है। अब देखिए एक बात होती है कि अगर 3 साल में 10% के हिसाब से अगर आपको 33.1% ब्याज मिल रहा है, तो दुनिया के कोई भी 3 साल ले लें आप, लगातार अगर आप 3 साल लेंगे तो इंटरेस्ट का प्रतिशत उतना ही रहेगा, भले ही वो वैल्यू अलग अलग आए, ठीक है, पर परसेंटेज उतना ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ कि भाई इन 3 साल के अंदर मेरे को कितने परसेंट ब्याज मिला है, ठीक है, तो उसके मैं देखता हूँ वैल्यू आ जाएगी, सत्रह हजार 840 रुपये, ठीक है, 17,840 रुपये इन दोनों का अंतर हो गया, ठीक है। यानी ये राशि थी, ये वाली राशि हो गई थी और ये वाली राशि थी, तो ब्याज मिल गया आपको 17,840 रुपये, ठीक है। और ये इसका कितना है, ये इसका 50% है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका आधा दिख रहा है आपको सीधा सीधा, ठीक है। अब 50% अगर यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सीधी सी बात है इन 3 वर्ष में अगर 50% है, आपको बताया गया था आप कोई भी 3 वर्ष ले ले, 33.1 हमेशा 33.1 ही रहेगा, वैल्यू वो अमाउंट की चेंज होगी, वो राशि चेंज होगी कि किस पे लगाया गया है, पर 33.1% नहीं बदलेगा, 10% के हिसाब से वो उतना ही रहेगा, तो 50% ही यहाँ मिलेगा। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 अगर राशि थी, 1 का ब्याज मिला, अब वो 3 हो गई, तो आप बोल सकते हैं कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35,680 है, और 1 यूनिट ब्याज मिला है, 1 यूनिट ब्याज मिला, 1 यूनिट की मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखी जाए, तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, ये नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है,
तो सीधी सी बात है, जो आंसर आपका आएगा ना, आप उसमें डीएस लगा सकते हैं ना एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर एक्यूरेट है ही नहीं, आंसर अप्रोक्सीमेट है आपका। तो आप 3 से अगर भाग करते हैं तो देखिए 11 3 33, ठीक है, 11 3 33 बचा 2, 3 8 24 बचा 2, 3 9 27 बचा 1, 11893 पॉइंट कुछ आगे भी जाएगा, ये अभी सॉल्व नहीं होगा एग्जैक्टली। तो इसलिए आप यहाँ पर डीएस नहीं लगा पाए थे, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट डिपेंड करता है आप पे कि आपने पहले से प्रैक्टिस किस तरीके से करी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये आपका अगला क्वेश्चन, किसी राशि को वाई प्रतिशत राशि से वाई प्रतिशत ब्याज से 3.5 वर्ष के लिए लगाया गया है, यदि उसे इतने एक्स्ट्रा परसेंट से लगाया जाता तो इतना अधिक इंटरेस्ट मिलता, तो वह राशि बतानी है आपको। अच्छा चलिए देखते हैं, आइए 3.5 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी 3.5 वर्ष है, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले, बस देखिए वर्ष तो सेम है, पर वो ये कह रहा है कि पहले वाई परसेंट था तो अब वाई प्लस 4% है। अंतर कितने का आ गया, ध्यान से देखिए, अंतर कितने का आ गया, केवल 4 का, 4 × 3.5, 3.5 वर्ष में कितने का अंतर आ जाएगा, 4 × 3.5 क्या होता है, 14% होता है। तो 14% की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, कि भाई 14% की वैल्यू आपकी 4452 होगी, ये 14% की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको राशि निकालनी है कि वो राशि कितनी थी, यानी 100% निकालना है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लायर देखिए, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आंसर जो है आपका वो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल, एम जी कॉन्सेप्ट में लगाता हूँ अगर, तो ठीक है 3 का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। 3 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं, ये तो नहीं हो सकता, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं हो सकता, 3 4 7, ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने एम जी कॉन्सेप्ट लगा लिया और सीधा ही आंसर आ गया, वो चीज़ तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता था, लिखने वाला पार्ट नहीं था। 4 × 3.5 14 हो गया, 14 की वैल्यू ये हो गई, 100 की कितनी होगी, आपने देखा इसमें 3, आंसर में 3, ये आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है, चलिए और क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। हाँ, किताबों के बारे में जानकारी ज़रूर है, आप किताब ज़रूर खरीद सकते हैं, अर्थमेटिक की और लक्ष्य 200 एडवांस मैथ की कंप्लीट पैकेज है आपका, और आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है देखिए इन दोनों किताबों को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भारी मात्रा में किताबें जा रही हैं, तो मैं ये कहूँगा आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल हाई होनी चाहिए, आपके दिमाग की थिंकिंग जरूर खुलनी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और एक बात ये कहूँगा कि भाई जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि लाइक ज़रूर करिएगा, चाहे शेयर करें ना करें, ठीक है, पर लाइक ज़रूर करिए। जब 2000 लाइक हो जाएंगे तब आपका नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा, ठीक है, इतने सारे व्यूज जाते हैं तो 2000 बच्चे लाइक कर सकते हैं, और जब आप 2000 लाइक कर लेंगे उससे नेक्स्ट डे ही आपका वीडियो फिर अपलोड होगा, ठीक है। और एक बात और कहूँगा कि भाई जैसे मैंने पिछले क्लास में आपसे बोला था कि कमेंट में ज़रूर लिखें कि भाई आप आगे और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके ही मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सेशन लाऊंगा। SI में CI में हम एक सेशन पहले देख चुके हैं, एक सेशन ये वाला हो गया, 2 सेशन हो चुके हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की ये प्रॉब्लम दूर हो, कि उसे बनाना तो सब कुछ आता है पर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि भाई कैलकुलेशन जब वो करने बैठता है ना तो पेपर का टाइम निकल जाता है, वो उस वक्त तो नहीं पता लगता, पर जब घर पर आते हैं तो ये पता लगता है कि अगले साल दोबारा से तैयारी करके फिर अच्छे से देंगे, तो वो गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो गड़बड़ ये हो रही है कि वो घर पे बैठ के ना कैलकुलेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा, केवल कंटेंट ही कंटेंट बनाया जा रहा है। तो वो ज्ञानी तो बहुत बड़ा बन रहा है कि भाई उसे ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, देखिए ज्ञानी नहीं बनना है आपको, खाली आपको परफॉर्मर बनना है। और आप में से जितने भी लोग मुझे लगातार फॉलो करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैं आपको परफॉर्म करना सिखाता हूँ, ज्ञान तो मैं देता ही देता हूँ,
साथ के साथ मैं ये दिखाता हूँ कि आपको परफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए, सिलेक्शन आपको किस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। तो लगातार फॉलो करते रहिए, आगे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सेशन आने वाले हैं, बस जुड़े रहिए। वो PDF इन सब की टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, विद सॉल्यूशन डाल दी जाती है, मैं खुद सॉल्यूशन लिखता हूँ उसके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सॉल्यूशन भी आपको लगातार पसंद आएंगे, क्योंकि वीडियो आपने देखी है तो बहुत आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।